हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार क्या कहते हैं, मनान बैठा हुआ साथ मेरे, जिसका मोबाइल पिछले व्लॉग में खत्म हो गया था। तो आइयो बोल लो। अरे कहना क्या चाहते हो? आपकी मनान से बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान कैसे हैं? हाँ खोलो लाइट वाइट। खुला का शुक्र है यार। सुना यार वो आपका मोबाइल खराब हो गया। यार देख लो यार क्या हो रहा है। मोबाइल दिखाओ अपना। ये लोग मान नहीं रहे कि समझ रहे, मजाक कर रहा हूँ मैं। तू यूज कौन सा मोबाइल कर रहे हो? हम याला यूज कर रहे हैं। ये याला फिर वही? ये तोतला है। ये भाईजान ये आईफोन 7 प्लस 128 GB 10x10 का फीचर, ब्लैक कलर और आईफोन 13 प्रो के साथ डीपी लगी है मेरी। डीपी वो हट गई, डीपी चली गई। अच्छा मोबाइल दिखाओ, इधर दिखाओ यार। बस हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। दिखाओ तो सही, गुजारिश है सबसे। दिखाओ तो सही, ये लोग दुआएं की अपील है। खुसरा पैसे दुआओं की अपील है, दुआएं की अपील है। मेरा भाई कोमा में चला गया पोवा। अभी देखो मोबाइल का भाई नाम है पोवा। हमारे पोवा भाई का साथ बहुत अच्छा था, रातों में बहुत गुजारी हमारे साथ इन्होंने। अल्लाह माफ करे। ये देखो ये कहाँ से खुलेगा मनान भाई? ये हमारा खत्म हो गया पोवा। अच्छा यार सबसे अपील है यार, इजी पैसा में पैसे भिजवा दो, 1000 1000 2000 करके। कोई तरीका है भीख मांगने का? बंदा मोबाइल ले लेने आया। क्या 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 अपील कर रहे हैं हम? थोड़ी मदद करो भाई की यार, अपील कर रहा हूँ। जब इसको बेच के आपके जो पैसे आएंगे उसको मिला के थोड़ा बड़ा मोबाइल ले लेंगे। तो क्या कहते हैं, जो लोग आपको पैसे भेज देते हैं वो किस थ्रू भेजे? माल भाई के अकाउंट में सेंड करना। मतलब इजी पैसा जैसे इजी पैसा जैसे जैसे भेजना भेज दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बोले तो हमारा बंदा रिसीव करने भी आ जाएगा आपके पास, कोई मसला नहीं, बात नहीं। चलो मैं आपका नंबर नीचे वीडियो में डाल दूंगा। ओके। जिस भाई को क्या कहते हैं रब्ता कर रहा होगा अपनी जकात खैरात के लिए, तो आप से जानी वाली मोहब्बत होती है भाई से। यार देखो यार, देखो तुम भाई, पता आईफोन इतनी अच्छी बैटरी देता नहीं। देखो अभी 80% गया था, देखो 79 हो गया भाई। बहुत से लोग हैं जो जानी जानी बोल के सबका खैरात निकाल देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं ना जिनको हम जिनको उनके अम्मा अब्बा क्या कहते हैं सदका के पैसे बोलते हैं, बेटा ये जाओ सदका देके आ जाओ। और वो अपने दोस्त के पास जाते हैं, बोलते हैं यार आओ आज मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, मेरी तरफ से आज ट्रीट है। और यही वो बंदा है सामने बैठा हुआ। कभी नहीं करते यार, जब भी अम्मा अब्बा तुम्हें सदके के पैसे देना तो दे दिया करो ना, के खुद खाओ मनान की तरह, ये अपने दोस्तों को खिलाओ। सबक देने का नतीजा आप ये मिला के हम लोगों को कि आप लोग सुधरे और अपने बच्चों को सुधारे। शादी नहीं हुई यार, किसी शादीशुदा लोग भी देखते होंगे यार, कोई कोई नहीं शादीशुदा, 5 होंगे मुश्किल से होंगे तो। बाकी सारे आने वाले फ्यूचर जो वाइफ है, बच्चे है, माँ बाप है, सब कुछ है, उनको ये बात बताओ हमारी, भाईजान के कुछ नहीं रखा, दुनिया पानी है, पैसा पानी है, दुनिया पानी है। भाईजान सबसे पहले ये करा है कि अपने खुराक पे ध्यान रखो। चल पे लंबी घर तुमसे ना हो पाएगा भाई जान। अभी क्या कहते हैं उसका मोबाइल बनवाने जा रहे हैं हम। तू बोल ले, मैं बोल लूं, दोनों के बाद इसी आती है। तो यार मनान का मोबाइल बनवाने हम जा रहे हैं सरीना मार्केट। चले भाई चलो, आ जाओ। तो मार्केट जा रहे हैं, चलो साथ चलो आओ। सरीना में तुम्हारी पड़ गई 3,350 रुपये। मोबाइल कहाँ से यार? नहीं क्या जी सर, बोर्ड ही। देखो भाई मनान भाई के बोर्ड की MCBC हो गई है खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मनान भाई कैसा फील हो रहा है आपको? सच बोलो बोलते आपसे मैं घर जाकर। क्या मनान भाई तुम जा रहे हो छोड़ के मुझे? बस यार मोड़ ही ऐसा मिला है कि हमें जाना पड़ा। ये रहा मोड़, निकल सीधा। तुम्हें शर्म है कुछ? ऐसे गद्दार दोस्त नहीं है देखो। ठीक है भाई, आस्तीन के डायनासोर हैं हमारे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जिम के बाद। इंशाल्लाह अभी आप घर जाओ और व्हाट्सएप पे शुरू हो जाओ। नहीं यार पहले तो अम्मा से खालियां खानी जाके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खालियां खानी? गालियां क्यों खानी यार? वो दरअसल थोड़ा सा दूर करें। नहीं नहीं कैमरे में बुरा आता हूँ। तो गालियां इस वजह से खानी है हमें कि हमने कर दिया मोबाइल खराब। अच्छा। और अम्मी को आने वाला फटका सही वाला। अच्छा। कम से कम भी 4-5 हज़ार का फटका आने वाला। अच्छा। और अम्मी हमें दलील करने वाले।
आंटी अगर आप ये मेरा ब्लॉग देख रही हो ना, मैं कहता हूँ मेरी तरफ से 10 लगा उसको, इसकी हरकतें ऐसी हैं। आपके बेटे को हमने कहा था घर पे ना, घर पे अपने भाई का मसला नहीं, बिस्तर रेडी है मेरे घर पे, मैं अम्मा निकाल निकालना। आंटी आपके बेटे को मैंने कहा था मोबाइल संभाल ले, पर नहीं, बात नहीं मानी भाई साहब, को स्नैप्स बनानी थी। किस्मत में जो दिखा होता वही होता। चल चल निकल भाई साहब, लंबी कर रहा है बहुत, तो मैं भी जा रहा हूँ ऊपर। चलो साथ चलते ऊपर। नीचे से हम लोग ऊपर आ गए हैं, तो मुझे भी जिम जाना है, जिम के लिए रेडी होना है, और उसके लिए मुझे पहनने कपड़े नहा दो। तो आज आप लोग बताओ यार, ये है क्या कहते हैं मेरी अलमारी कपड़ों की, ये सारी लाइन क्या कहते हैं मेरा जिम वेयर, और ये क्या कहते हैं पेंट शर्ट्स, ये तो आपके भाई की कैप्स, सबसे फेवरेट तो मेरी ये, और जिम में कैप पहनता हूँ मैं, वो मेरे जिम के बैग में रखी हुई है, वो मैं यहाँ नहीं रखता। आज कौन से कपड़े पहने हैं हम, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। क्या कहते हैं मम्मी आ गई थी, तो मम्मी के सामने मुझसे व्लॉग्स नहीं बनते, मैं थोड़ा शर्माता हूँ। तो ये है हमारा ट्राउज़र, और ये है हमारी शर्ट। मैं भाई ये कपड़ा मुझे सबसे अच्छा लगता है यार, और दूसरा ये ब्रांड अंडर आर्मर का बेस्ट ब्रांड है। तो ठीक है, मैं नहा धो के रेडी होके मिलता हूँ आपसे। ओके हो गया, तो मैं यूं गया और यूं आया। हाँ तो जी, सिनेमैटिक एंजॉय कर लिया तुम लोगों ने, तो यार रेडी वगैरह हम लोग हो गए हैं जिम जाने के लिए, हम हो रहे हैं लेट, बहुत ज़्यादा लेट, तो फटाफट चलते हैं जिम बिना किसी देरी के। आज है हमारा चेस्ट, मौका मिलता है अगर मुझे जिम में, मैं लाजमी आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगा जिम की, ठीक है। चलो ओके, आओ साथ आओ जिम। तो यार जिम जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँगी शूज़, कलम सी भी गए थे वहाँ से आने के बाद, शूज़ चेक करो गंदे हुए थे काफ़ी, फिर मैंने शूज़ धोए अपने। वैसे तो जिम में क्या कहते हैं शूज़ में पहन के नहीं जाता, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जिम में शूज़ रखे हुए लॉकर में, मैं जिम जाता हूँ स्लीपर्स पहन के, क्योंकि वहाँ जाके मुझे वैसे ही शूज़ पहनने होते हैं। पर आज मैंने थोड़ा बोला कि यार शूज़ जब मैंने धोए हैं इतने, जब शूज़ चमक रहे हैं, थोड़ा इनका फ़ायदा उठाया जाए, क्या कहते हो भाई, आज जिम में हम ये सेक्सी वाले शूज़ पहन के जाएंगे। मुझे वैसे नॉर्मल शूज़ ही पसंद है, जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो, भले क्या कहते हैं डिज़ाइन वगैरह ना हो। हो गए हम रेडी, चलते हैं सीधा जिम, आ जाओ। तो लेट्स स्टार्ट द गेम ब्रो, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं अपना। तो वर्कआउट के बाद मिलता हूँ आपसे, कोशिश हुई अगर टाइम मिला और दिन में चाहा तो दिखाऊंगा आपको वर्कआउट, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह जिम वगैरह से हम लोग फ्री होके आ गए हैं, तो अभी मुझे फ्रेश होना है, उसके बाद सैरी करनी है। और मैं दिखाता हूँ आपको टाइम क्या क्या हो रहा है, 4:06 हो रहे हैं अभी रात के, सैरी का मतलब टाइम हो रहा है। तो भाइयों आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। आँखें देखो कितनी दिन आ रही है मुझे आज, तो खैर कोई मसला नहीं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो नीचे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट किया करो और चैनल को शेयर किया करो और सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।